पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर की पौश कॉलोनी में देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा है। लावारिस हाल में चाइल्ड लाइन पहुंची नाबालिग ने काउंसलिंग के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया। शहर के नामचीन होटलों में भेजे जाने की बात स्वीकार की। सूचना पर पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल दंपत्ति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में शामिल फरार अन्य लोगों की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी लगवाने के बहाने नाबालिग को यहां लाया गया था। ऑन डिमांड होटलों में इसे भेजा जाता था। 12,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जाती थी। सनसनीखेज खुलासा पुलिस लाइन में एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर रात एक नाबालिग लड़की मझोला क्षेत्र में लावारिस हाल में घूमती हुई मिली थी। पुलिस पूछताछ में उसने कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस ने उसे चाइल्ड लाइन भेजा था। चाइल्ड लाइन में काउंसलिंग के दौरान नाबालिग ने सनसनीखेज खुलासा किया। ये 25 तारीख की रात को गश्त के दौरान पुलिस को एक नाबालिग लड़की मिली थी, जिसको उस समय चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया था। जब चाइल्ड लाइन में इस लड़की की काउंसलिंग हुई, इसके घर वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बातचीत की गई, तो यह ज्ञात हुआ कि इस नाबालिग लड़की को मुरादाबाद में प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाया गया था। यहाँ पर एक व्यक्ति विजय छाबड़ा के घर पर इसे रखा गया था और ये मौका पाकर उनके चंगुल से भाग गई थी। तब उस रात को ये पुलिस को गश्त के दौरान मिली थी। तत्समय इसने सारी बात नहीं बताई थी। जब इसकी काउंसलिंग चाइल्ड लाइन में हुई तब इसने ये सारी जानकारी दी। चाइल्ड लाइन द्वारा तत्काल थाना सिविल लाइन पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस एक्टिवेट हुई और लड़की से पूछताछ की और इस दौरान आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विजय छाबड़ा जो मूल रूप से कोठीवाल नगर कोतवाली में रहने वाला है और इस समय बुद्धि विहार में रहता है। इसकी पत्नी जो है मोना शर्मा, वो भी इसके साथ इस कार्य में संलिप्त थी। इसके अलावा आबिद एक व्यक्ति है जो इनके साथ रहता है, इस कार्य में इनकी मदद करता है, जो चक्कर के मिलक थाना सिविल लाइन में काम करता है रहता है। इसकी पूछताछ से अभी तक ये जानकारी में है कि इसको कुछ होटलों में यहाँ पर भेजा गया था, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।